गुड मॉर्निंग एवरी वन दिस इज योफर मैम आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम्स सो फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग आर सिलेबस ऑफ इंटरनल असाइनमेंट बी वन आर सब्जेक्ट इज एस एस टी एंड इन एस एस टी फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट ज्योग्राफी सो इन जोग्रफी टुडे वी विल डू चैप्टर फाइव एंड द टॉपिक ऑफ़ द चैप्टर इज मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ मीन्स जो पृथ्वी है उसके जो मेजर भाग हैं उनके बारे में हम बात करेंगे So, uh, before starting the work, what you all have to do, you all have to mention today's date in your copies. That is six November twenty twenty. With this, you will mention online classwork in your copies. And in today's video, I will explain you worksheet one. So, as you all have seen that I have provided a YouTube link on a, uh, on your WhatsApp group, through which you can understand the whole chapter, chapter five, major domains of the earth. So, you can uh, see that video to understand the chapter so first of all before starting the work some points you all have to remember while doing the work first thing is this that all the headings are mandatory to mention second thing writing must be very neat and clean and third thing your work should be completed on the daily basis because when i will call the copies in the office for checking so your copies should be there on the time only otherwise the copies will not be checked by me at all so let's come back uh, on today's work

सेकेंड आता है हाइड्रोस्फीयर सो वाटर कवर्स अ बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफ़ेस पृथ्वी की सतह पर पानी जो है वो बहुत बड़ा एरिया कवर करता है एज यू ऑल नो दैट सेवेंटी परसेंट वाटर इज देयर ऑन द अर्थ सो दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर बहुत बड़ा एरिया जो पृथ्वी की सतह को पानी से घेरता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रॉस्फेयर नेक्स्ट आता है आपका बायोस्फीयर सो द नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंट्रैक्ट विद ईच अदर इज कॉल्ड बायोस्फीयर सो एक जो सीमित एरिया होता है लैंड का पृथ्वी का नैरो जोन है जहां पर वाटर पानी एयर हवा एंड लैंड यानी पृथ्वी जहां पर पृथ्वी पानी और हवा इंट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से विद ईच अदर दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर सो बायोस्फीयर क्या होता है एक सीमित भाग है पृथ्वी का छोटा भाग है जहां पर पानी पृथ्वी और हवा तीनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर नेक्स्ट आता है लिथोस्फीयर सो द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज नोन एज लिथॉस्फियर सो सॉलिड मीन्स होता है ठोस जो पृथ्वी का हमारा ठोस भाग होता है दैट इज नोन एज लिथॉस्फियर उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं नेक्स्ट इज कॉन्टिनेंट्स सो द लार्ज लैंड मासिज आर नोन एज द कॉन्टिनेंट्स लैंड मासिज होते हैं पृथ्वी के बहुत बड़े बड़े टुकड़े सो so, पृथ्वी के बहुत बड़े बड़े टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं एंड आर इंडिया इज ऑल्सो इन वन कॉन्टिनेंट दैट इज एशिया नेक्स्ट है आपका ऑन सिक्स नंबर ओशियंस द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियंस ओशियन सागर होते हैं आपके जो बहुत बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ होती हैं दैट दैट इज़ कॉल्ड ओशियन लेट्स सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज

माउंटेन रेंज है यूरल्स पर्वतीय श्रृंखला है वो यूरोप और एशिया को सेपरेट करती है सेकेंड क्वेश्चन इज बाई विच द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका किसके द्वारा जो कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका वो लिंक है साउथ अमेरिका के साथ एंड दैट इज एन इस्थमस इस्थमस क्या है ये एक लैंड uh, का पीस है जो पानी से घिरा हुआ होता है दोनों साइड से एंड इट लिंक्स इट जॉइंट नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका क्वेश्चन नंबर थ्री इज विच मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट सेवेंटी एट परसेंट कॉन्स्टिट्यूंट मीनस होता है घटक सो एटमोस्फेयर का कौन सा मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है कौन सा प्रमुख घटक है जो सेवेंटी एट परसेंट प्रेजेंट है एटमोस्फेयर में दैट इज नाइट्रोजन बिकॉज नाइट्रोजन गैस इज प्रेजेंट सेवेंटी एट परसेंट इन द एटमोस्फियर क्वेश्चन नंबर फोर इज द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स इज कॉल्ड पृथ्वी का वो एरिया वो भाग वो क्षेत्र जो कंसिस्ट करता है सॉलिड रॉक्स मीन्स जो ठोस चट्टाने होती हैं वो कंसिस्ट करता है उस एरिया को बोलते हैं द लिथॉस्फेयर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है मीन्स लार्जेस्ट सभी से बड़ा दैट इज एशिया इन विच इंडिया इज सिचुएटेड नेक्स्ट एक्सरसाइज थ्री इज फिल इन द ब्लैंक्स सो द फर्स्ट वन इज़ द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज मैरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियन डीपेस्ट पॉइंट मीन्स जो होता है जो सबसे गहरा पॉइंट है पृथ्वी पर अर्थ पर दैट इज मैरियाना ट्रेंच कहाँ पर है इन द पैसिफिक ओशियन पैसिफिक ओशियन में है नेक्स्ट इज द डैश ओशियन इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री सो आंसर इज इंडियन इंडियन ओशियन जो है वो एक कंट्री के ऊपर उसका नेम रखा गया है इन द कंट्री इज़ इंडिया ओनली third one is the biosphere is a narrow contact zone of land water and air that supports life so as i have already explained you इन द की वर्ड्स डेट बायोसफेयर क्या होता है एक नैरो जोन होता है एक सीमित क्षेत्र है जहाँ पर लैंड वाटर और एयर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं एंड लाइफ को सपोर्ट करते हैं बिकॉज इफ़ एयर विल नॉट बी देयर देन आल्सो लाइफ विल नॉट बी एग्जिस्टेड इफ़ वाटर विल नॉट बी देयर देन आल्सो लाइफ विल नॉट बी एग्जिस्टेड सो एक ऐसा एरिया बायोसफेयर कहलाता है जहां पर लैंड वाटर और एयर तीनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं मीन जीवन को सपोर्ट करते हैं Fourth one is the continents of Europe and Asia are known as. The continents of Europe and Asia They are known as Eurasia. A combination of Europe and Asia that is called Eurasia. Fifth number is the highest mountain peak on the earth is Mount Everest. So, par That is Mount Everest as you all know. Next is draw the figure 5.4 uh, layers of the atmosphere in your copy and color it from page number 35. What karna hai do? figure draw karna hai 5.4 which is given on your uh in your book page on page number 35 that is layers of the atmosphere you have to color and draw the figure very neatly and nicely so uh, this was uh, this were the exercises related to chapter 5 of geography i hope everything is clear to all of you if still any confusion is there so you can ask me on the whatsapp also so i'll meet you in the another explanation video till that keep learning, stay home stay safe bye bye everyone